हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, मजा कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने 14 अकबर सीरियल के पिछले एपिसोड में देखा कि जो सुजामल है वो राजा महाराणा प्रताप जी के पास पहुंच जाता है, और जो कि सुजामल को बिल्कुल ही वो पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि सुजामल के बदौलत अजोधा ने ये सेक्रीफाइस दिया है, उसे ऐसा करना पड़ा है। नहीं कभी वो, अगर वो हमला नहीं करता, मुगलों के साथ मिलता नहीं जा करके, तो वो इतनी जल्दी जो अटैक नहीं होता, आमेर थोड़ा सक्षम हो गया रहता और जोधा की शादी मुगलों के यहाँ नहीं होती। और सही बात है कि अगर सुजामल अटैक नहीं करता तो जोधा की शादी जो है वो सूर्यभान के साथ हो जाती। बाद में भले कुछ भी होता, रानी मैनावती ने जैसे सोचा था वैसा ही होता। और फ्रेंड्स, फिर लास्ट में हम लोगों ने ये भी देखा कि जोधा है उसने अटैक कर दिया था जलाल के ऊपर, उसको चाकू से मार दिया हाथ में, और वो मुस्कुराते हुए चला भी गया, क्योंकि उसको भी जानता है कि अभी शादी हुई है, इतनी जल्दी एक्सेप्ट कैसे हो जाएगा। लेकिन बाकी लोग जो है बड़ा हैरान है। शरीफुद्दीन को तो इतना हैरान हो गया देख करके कि वो अचंभित हो गया कि इतना कट्टर जलाल इतना नॉर्मल कैसे बिहेव कर रहा है इस समय पर, तो सब अचंभित है देख करके। तो फ्रेंड्स, चलिए उसी के आगे से वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं, और वीडियो बहुत ही मजा आने वाला है वीडियो में। हर बेटी को एक न एक दिन अपने ससुराल जाना ही पड़ता है, यही परंपरा है। इस कक्ष को देखिए मासा, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, बस प्राण नहीं है इसमें। जोधा के बिना सब कुछ कितना सूना, कितना निर्जीव है मासा, ये सोचकर मन घबरा जाता है। मारी बच्ची वहां मुगलों के पास अकेली है। अकेली कहां है मैनावती? उसके कान्हा जी उसके साथ है। मैं तो ये कहने आई थी कि कान्हा जी की दूसरी मूर्ति विधिवत स्थापित हो गई है। कान्हा जी की मूर्ति तो दूसरी आ गई है मासा, पर हम दूसरी जोधा कहां से लाए? उसके गाए हुए वो सुरीले भजन कहां से लाए मासा, कहां से लाए?
हुजूर आला दस्तरखान सजा दिया गया है। बेगम चौधरी, आपको शहंशाह के पास बैठना होगा, यही हमारा रिवाज है। आप ही सहायता कर दीजिए, कर्तव्य समझ कर ही सही। काफिले को निकलने का हुक्म दीजिए। जो हुक्म शहंशाह।
वो यही चाहते थे कि आप उन्हें खिलाएं अपने हाथों से, इसलिए उन्होंने आपके साथ छल किया। ये कैसे हो सकता है? हमारे शहंशाह किसी हिंदू से निकाह कैसे कर सकते हैं, और वो भी उनकी रीति रिवाज से? बादशाह जो भी करे उनकी मर्जी, वैसे भी कोई भी कानून बादशाह से बढ़कर तो नहीं होता ना। अरे मियाँ, अब किसमें हिम्मत है जो बादशाह से सवाल करे। बिल्कुल, हमें तो बस जश्न मनाना चाहिए बादशाह के निकाह का। सुभान अल्लाह, ये तो निहायत ही अच्छा काम किया है जलाल ने। इन राजाओं से वफादार और कोई नहीं होता। पहले भी इन्होंने कितनी बार हमारी मदद की है, और मरहूम बादशाह हुमायूं की जान बचाई थी उन्होंने, और जलाल की जिंदगी ये तो उन्हीं की कर्जदार है। और अब एक राजवाड़े की शहजादी से निकाह, वल्लाह। खुदा हम पे बहुत मेहरबान है। शेरशाह सूरी ने जब हमला करके हमसे सब कुछ छीन लिया था, तब अमरकोट के राजा बीरसाल ने हमें पनाह दी, दोस्ती निभाई, और तो और जलाल भी वहीं पैदा हुआ। बहुत सुंदर बालक है हमीदा बहन, एक हिंदू के घर में जन्मा मुगल बालक है ये। देखिएगा, एक दिन यही बालक हिंदू और मुगल के एक होने का कारण बनेगा। बहुत वजह फरमाया था अमरकोट की महारानी ने कि जलाल हिंदुओं और मुगलों के एक होने का सबब बनेगा। हरम की सारी हिंदू दासियों को बुलाया जाए, हम जोधा के इस्तकबाल के लिए कुछ तैयारियां करेंगे। जी मलिका आलम। मलिकाए बेगम, शहंशाह ने एक हिंदू शहजादी से निकाह कर लिया। होशियार खान, खेल के दौरान हमें दखल अंदाजी पसंद नहीं है। कमाल है, आपको इतनी बड़ी खबर मिली और आपके चेहरे पे शिकन भी नहीं। शिकन क्यों होगी हमारे चेहरे पर? शहंशाह को हमसे बेहतर और कौन जानता है। फिर उन्हें एक नया खिलौना मिल गया है अपना दिल बहलाने के लिए। कुछ ही दिनों में इससे भी दिल भर जाएगा उनका। शहंशाह अपने हरम में चाहे कितने भी खिलौने सजाए, कितनी भी बेगमें ले आए, उनका पसंदीदा खेल तो शतरंज ही रहेगा, और उनकी पसंदीदा बेगम रुकैया ही रहेगी। वो हरम में ही रहेगी मलिका? तो जाओ उनका कमरा सजाओ। जलाल की हर एक चीज हमने ही संभाली है, तो इस खिलौने को भी हम ही संभालेंगे। गुस्ताखी माफ मलिका बेगम, शहंशाह महल में तशरीफ ला रहे हैं। गुस्ताखी माफ मलिका। शहंशाह का इस्तकबाल करने आप नहीं जाएंगे? जरूरत नहीं, हमेशा की तरह शहंशाह खुद हमारे पास है। सबसे पहले बेगम जोधा, इन्हें सलाम कीजिए। ये है मलिका आजम, शहंशाह की वालिदा हैं ये। माशाल्लाह, जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। हीरे की चमक भी तुम्हारे नूर के आगे फीकी पड़ जाए। हमारी दुनिया में खुशामदीद, इनसे मिलो। ये है बख्शी बानो, हमारी बेटी।
जलाल की छोटी बहन। खुशामदीद भाभी जान, सर आपके पैर आगे कीजिए, दूध धुलिया की रस्म पूरी करनी है। रिवाजों के बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है हमें, पर सोचा कुछ ऐसा करें जिससे इस महल में तुम्हें कुछ अपना सा लगे, इसीलिए हिंदू बांदियों को अगवानी के गीत गाने के लिए बुला लिया। तुम नहीं जानती जोधा, तुम हमारे लिए कितनी खास हो। माहम, हमारी बहू के आराम के लिए तैयारियां कीजिए, हम चाहते हैं कि उन्हें खास सहूलियतें मिले। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मल्लिका, हम इनका और इनकी फरमाइश का पूरा ख्याल रखेंगे और इन्हें इस महल में इनकी जगह भी दिखा देंगे। नहीं, आप सिर्फ तैयारी कीजिए, इस महल और यहाँ की हर चीज से अपनी बहू का तारुफ हम खुद करवाएंगे। आपका गुमान टूटेगा, अब आप एक हिंदू रानी को सलाम करते हुए नजर आएगी। ये है हरम, महल की शाही औरतों की रहने की जगह। तो ये है नई बेगम, शहंशाह की नई बेगम की शान में पान हाजिर है, पान तो लीजिए। धन्यवाद, हम पान नहीं खाते हैं। तो बता दीजिए बेगम साहिबा, आप क्या शौक फरमाती हैं? जोधा बेगम अब इसी हरम में रहेंगी, आहिस्ता आहिस्ता इनके शौक जान जाएंगी आप, फिलहाल इन्हें आराम करने दें। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं बहू बेगम, हर एक की बात पे ध्यान देना जरूरी नहीं है, कुछ एक को तो नजरअंदाज कर देना ही बेहतर है। तुम जानना चाहती हो ना कि ये सब कौन है? कुछ तो जलाल की बेगमें हैं और कुछ बांदियां, बाकी सब वो औरतें हैं जो जलाल के नजर हुई हैं या उनकी रियासत को जलाल ने जीता है, बाकी हरम की हिफाजत के लिए हैं।
हरम में हिफाजत के लिए भी गैर मर्दों का आना मना है। यहाँ की जितनी भी औरतें हैं उनकी इज्जत और उनकी ज़रूरतों को हर तरह से पूरा करता है जलाल, अपना फ़र्ज निभाता है। पर हमें लगता है तुम उसे पसंद नहीं करती और तुम इस निकाह से दिल से राजी नहीं हो। बताओ कि तुम इस निकाह के लिए रजामंद क्यों नहीं थी? जिसमें दया ना हो, हृदय ना हो, उससे विवाह करने के लिए कोई तैयार हो कैसे सकता है? किसी और ने ये बात की होती तो हमें बुरा लगता, पर हम खुश हैं ये देखकर कि ना सिर्फ तुमने अपने दिल की बात कही है पर जलाल के खोए हुए दिल के बारे में भी सोचा है। तुमने सिर्फ ये नहीं देखा कि जलाल के पास क्या कुछ है, तुमने ये देखा कि उसके पास क्या नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारे आने से जलाल को उसका खोया हुआ दिल मिल जाएगा। अब तुमसे रुखसत लेते हैं, आराम करो, तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल महामंगा रखेंगी। ये हमारा है? नहीं, हमारा है, रुकैया बेगम ने हमें दिया है। हाँ 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 हाँ, बेगम की तीमारदारी हम करें और शाही शरारा तुम्हारे हक में हो। लाओ इसे हमें दो, हमारा है ये। नहीं, हमारा है ये, दो हमें। सुनिए, ये लोग इतना झगड़ रहे हैं, आप में से कोई नहीं रोकता क्यों नहीं? रुक नहीं है हमें, और तुम भी ये जरूरत कभी मत करना, क्योंकि इस हरम में होने वाले सारे फैसले केवल रुकैया बेगम के हाथ में, और उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई भी उनके हक में दखल दे। रुकैया बेगम? जी हाँ, रुकैया बेगम, शहंशाह की सबसे खास और पसंदीदा बेगम। हरम में उनका हुक्म भी ऐसे ही माना जाता है जैसे शहंशाह का हुक्म माना जाता है, दो दिन पुरानी कालीन हो या फिर कोई शानदार झूमर, रुकैया बेगम की नजरों से उतर जाए तो उसे फौरन बदल दिया जाता है और पुराना सामान हमें मिल जाता है। और क्यों ना हो, शहंशाह उनकी सारी बात जो मानते हैं, रुकैया बेगम के आगे चली हुई जबान और उठा हुआ सर दोनों काट दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो खत्म हो गई है और ये एंड में तो बहुत ही लंबा चौड़ा लेक्चर देके चली गई कि रुकैया बेगम के सामने चली हुई जबान उठा हुआ सर काट दिया जाता है। मतलब ये बता नहीं रही है, डरा रही है यार, ये तो अभी एक दिन आया नहीं हुआ है और आते ही डराओगे उसको तो कैसे काम चलेगा यार। और वहीं पर रुकैया है तो इस चीज को बिल्कुल सीरियस ले ही नहीं रही है, उसको लग रहा है जैसे कि बाकी की बेगम है वैसे कि ये भी है। और वहीं पे दूसरी तरफ जो है महामंगा के सारे मंसूबों में पानी फिर गया। महामंगा ने सोचा होगा किसी दासी का कमरा दे देंगे रहने के लिए, किसी कोने में पड़ी रहेंगी महल के, या हरम जो भी बोलते हैं ये लोग, उसके कोने में पड़ी रहेंगी। लेकिन जो जलाल की माँ है उन्होंने अपने अंडर में सब कुछ ले लिया है कि पहले तो महामंगा यही देख के पागल हो गई कि उसके महल में जिसने दीपावली का दिया नहीं जलाने दिया था उसके महल में उन लोगों ने गाना गा दिया, वो भी हिंदू बेगम के स्वागत के लिए, तो महामंगा के तन बदन आग ही लग गई थी। और उसके ऊपर से नमक छिड़कने का काम कर दिया जलाल की माँ ने, उन्होंने भी बोल दिया कि आप बस इसकी ज़रूरतों को पूरा करेंगी, बाकी कहाँ रहना है क्या करना है वो हम खुद देख लेंगे, हरम हम दिखा देंगे। बाकी फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो में अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो फटाफट से एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।